पड़ोसी देश पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में कंगाली का ये आलम है कि लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। देश में हालात समय के साथ और खराब होते जा रहे हैं। महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिनकी वजह से महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में गैस की कीमतें पिछले एक साल में 1100 रुपए से ज्यादा बढ़ी हैं। पाकिस्तान में सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि गैस के अलावा खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़े हैं, जहां आटे की कीमत में 88.2% तक बढ़ोतरी हुई है, वहीं बासमती चावल 76.6%, चावल 62.3%, चाय पत्ती 53%, लाल मिर्च पाउडर 81.70%, गुड़ 50.8% और आलू 47.9% तक महंगे हुए हैं। लेकिन वहीं प्याज की कीमतें पिछले एक साल में 36.2%, टमाटर के दाम 18.1%, सरसों के तेल 4% और वेजिटेबल ऑयल 2.90% तक कम हुए हैं। पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें पिछले एक हफ्ते में 10% का उछाल देखने को मिला है और ये 308.90 की तुलना में 309.09% तक पहुंच गया है। PBS के मुताबिक देश में 18 जरूरी चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 12 चीजों के दाम सस्ते हुए हैं और 21 चीजों के दाम अपने पुराने स्तर पर बने हुए हैं। पाकिस्तान में मई 2023 के बाद से महंगाई दर में लगातार गिरावट देखी गई, वहीं ये अगस्त में गिरकर 24.40% तक आ गई थी। इसके बाद एक बार फिर से इन्फ्लेशन दर में इजाफा देखा गया है।